क्रिकेट जर्नी में क्रिकेट में क्या हुआ मॉडलिंग के बारे में बताएं मॉडलिंग एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अब तो आप माशाल्लाह लाइक मॉडल भी बन गए हैं कितना फ़र्क देखते हैं आप मॉडलिंग में और क्रिकेट में कोई भी चीज़ अगर आप करें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस uh, जो है वो मिलता है जो आपके आसपास के लोग हों और मुझे uh, जो है मैं थैंकफुल हूँ सबका जो भी मेरे अराउंड लोग होते हैं या जो भी चीज़ करने जाए वो चाहे क्रिकेट हो या मॉडलिंग हो या होस्टिंग हो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है और इस... अच्छी जो भी अच्छी चीजें करना है वो कर देते हैं आप कर देना चाहिए करते रहिए सुन लो ये यूथ के लिए मैसेज है जिस चीज में मजा है वो कर देना चाहिए हमने एक स्टोरी एक वक्त था कि उमर अकमल से भाभी इरिटेट हो गई थी कोई मैच रैकेट उन्होंने भाभी से मांग लिया था हाँ बिल्कुल मांग लिया था वो क्या स्टोरी थी वो स्टोरी ये थी कि हम लोग थे श्रीलंका में अच्छा और उम्र कभी भी नहीं मिला था वाइफ से और आ, मेरा जो रूम था होटल जैसे हमारा फ्लोर आता था ऊपर आते फर्स्ट रूम हमारा था ठीक है तो मैं आया मैं जल्दी से कमरे में चला गया तो मैं जैसे ही एंटर हुआ रूम में बंद हुआ तो नॉक होना शुरू हुआ तो so, <laughs> मैंने कहा कोई नहीं रहने दो नहीं खोलना दरवाजा <laughs> आपको आइडिया था कि उमर अकमल होगा? हाँ मुझे लग रहा था क्योंकि वो तेजी से मेरे पीछे आ रहा था <laughs> यार उमर भाई, नहीं नहीं है वो हीरा आदमी हाँ। है वो हीरे के अलावा भी है वो हीरो है वो जैसा बैट्समैन है हीरो मैचेस जितवाए हैं और हमें हम सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए of course, we love और जो उसकी पर्सनल चीजें हैं वो उसी की हद तक रहनी चाहिए लेकिन हमें जज नहीं करना चाहिए हमारा कोई काम नहीं है किसी को खैर ये हमारा तो स्टोरी से है।, है हाँ हम उस पर तो नहीं खोलना रूम तो उसने कहा पूछा क्यों मैंने कहा नहीं बस मैं बाद में बताऊं उसने खैर खोल दिया दरवाज़ा अब उमर साहब आ गए अंदर अब उमर साहब जो है इतना मैं नहीं चाह रहा था कि वो रूम में आए जितना वो चाह रहे थे जितना वाइफ ने ये सोचना शुरू कर दिया थोड़े दस मिनट के बाद जो है ना वाइफ ने कहा कि यार मतलब क्या है ये वो मुझे यूं इशारे कराएगा मैंने कहा <laughs> नहीं, नहीं भुग तो <laughs> उसके बाद उसने एक रैकेट जो है वो उसने निकाला है बैग में से और जो रैकेट उसने निकाला था ना वो मैच रैकेट था क्योंकि उनका क्या होता है कि स्ट्रिंग्स चेंज होते हैं रैकेट उनका सेम होता है अगर हमारा बैट टूट गया तो चेंज हो जाता है तो उसने बस फिर ज़िद्द लगा दी कि मुझे यही रैकेट चाहिए मैंने यही लेके जाना और फिर वो वाइफ जो थी वो यही तुम मतलब ना आँखों में कि इसको रोको ये वाला नहीं दूसरा ले लो मैंने कहा मैं नहीं अब दरवाज़ा खोला तो आप इट बिटवीन इट्स बिटवीन यू टू तो उसने कहा उमर दूसरा ले लो नहीं

बात टब की एक स्टोरी बड़ी मशहूर है इंग्लैंड के बात टब की हमने सुना है कि वो कोई फ्लडिंग हो गई थी फ्लोर पे वो मैंने भी सुनी सुनाई है वो और आ, ये रूमर वो ही बहुत, है। बहुत, बहुत पुरानी स्टोरी है उस, उस वक्त मैं है? उस वक्त मैं अंडर फिफ्टीन अंडर नाइनटीन ये वाली क्रिकेट खेल रहा था तो स्टोरी तो है ना 90s वाले जो क्रिकेटर्स हैं

मतलब अच्छा अब आप, आप लोग हमारे पास कल भी सकलेन भाई आए हुए थे तो वो यही बता रहे थे कि और आपने भी, भी बात की कि फैमिली से ज्यादा टाइम आपका क्रिकेटर्स के साथ गुजरता है तो एक इतना बॉन्ड दोस्ती का और हमने तो सुना ये कि अर्ली 2000 की जो टीम थी तो प्रैंक्स ही आप एक दूसरे पे इतने करते थे अब वाले तो रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ी हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बढ़े हैं तो अक्सर हम भाई या कोई आपस में आप लोगों के देख रहे होते हैं तो ये, ये क्यों कहते है कि भाई टीम और तो उनसे कौन सा वाला था अच्छा लो जी आज क्लैरिटी हो गई शुएब मलिक साहब कि वो दूसरे शुएब की बात हो रही थी ये तो आपने अपने पास से बना ली पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका कौन सी पॉलिटिक्स ये जो सियासी मुल्की-मुल्की पॉलिटिक्स होती है ओवरऑल करंट सिचुएशन पे नहीं पूछ रहा देखें अगर मेरा नॉलेज होता इसके बारे में मैं आपको जरूर बताता लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि हम सबको अगर हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान हो तो हर चीज सही हो सकती है बिल्कुल बस यही इतना बोल रहा nice, nice. आपने 2009 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ 128 बनाया और हम वो मैच भी जीते तो इंडिया के खिलाफ स्कोर करने का तो एक अलग ही मजा होता होगा और हमने ये भी सोशल मीडिया पे सुना है कि जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको जीजू जीजू भी कहते हैं तो हाउ इज दैट फीलिंग नाउ अब आप एंड टूव दू आर लाइक जस्ट इन डिफरेंट टूवर्ड्स इट या देखिए इंडिया के अगेंस्ट कोई भी परफॉर्म करे तो वो वैसे ही स्टार से सुपर स्टार बन जाता है ट्रू और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी है बिल्कुल और क्योंकि इन्वॉलमेंट ऐसी हो जाती है सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट वाच्ड गेम ही ये है पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है तो इसमें ये है कि अगर आप वैसे आपको चाहिए चालीस पचास मैचेस चाहिए परफॉर्मेंसेस करने के लिए टू तो बिकम अ सुपरस्टार लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अगर आप एक सीरीज़ में आपकीची परफॉर्मेंस हो जाए कंसिस्टेंटली तो आप यू बिकम अ सुपरस्टार हाउ वाज दैट फीलिंग 2009 वाली क्या तो, तो, याद है तो, आपको वो मोमेंट याद तो, है बिल, बिल्कुल याद है और uh, उसमें uh, ये भी था कि वो काइंड kind ऑफ of, uh, मुझे मैसेज मिला था कि वो मेरा लास्ट मैच है अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर बाय-बाय होगा तो uh, ये था कि उसमें अल्लाह ने परफॉरमेंस इतनी इज्जत दे दी उसमें ऐसी परफॉरमेंस हो गई कि मैच जीत गए